Hello my dear students, welcome back to the video classes of maths. This is your maths teacher of class UKG from St. Norbert Senior Secondary School, Damo. Today I will teach you lesson number 7, greater than, smaller than and equal to. Okay, first we will understand about greater than. We always put an open mouth towards the greater number. Greater means bada. Okay, we always put an open mouth. ये जो आप sign देख रहे हैं open mouth, ये जो इसका मुँह खुला है, मतलब open mouth मतलब खुला हुआ, ठीक है, खुला हुआ मुँह. तो ये इस sign का जो number बड़ा होता है उस side इस sign का मुँह खुला होता है. okay, इस टाइप से. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर 55 लिखा हुआ है और 50 लिखा हुआ है. नाउ टेल मी विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, 55 बड़ा है या 50 बड़ा है? 55 बड़ा है ना, सो 55 इज ग्रेटर देन 50. 55 50 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम 55 नंबर जो है उसके सामने ये वाला साइन पुट करेंगे. ओके, उसके सामने 55 के सामने ये साइन कैसा होगा? ओपन माउथ, इसका मुंह खुला होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्मॉलर देन. स्मॉलर मीन्स छोटा. वी पुट द क्लोज माउथ टूवर्ड्स द स्मॉलर नंबर. अब स्मॉलर मीन्स होता है छोटा, तो ये जो साइन होता है इसका उल्टा करेंगे. जिस बड़े नंबर के सामने हम लोग ओपन माउथ, जिसका मुंह खुला होता है, उस साइड वाला पुट करते हैं, लेकिन जो स्मॉलर नंबर होता है इसमें हम उसके उल्टा कर देते हैं. जो माउथ जिस साइड इसका बंद होता है, ओके, उसमें हम कौन सा साइन पुट करते हैं उस नंबर के सामने? ये वाला साइन पुट करते हैं. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 20 लिखा हुआ है और 40 लिखा हुआ है. सो 20 इज स्मॉलर देन 40. 20 जो है 40 से छोटा है, तो यहाँ पर हम ये वाला साइन पुट करेंगे. ओके, नाउ द थर्ड इज इक्वल टू. इक्वल मीन्स सेम, एक जैसा, ठीक है. व्हेन द नंबर्स आर इक्वल वी पुट द इक्वल टू साइन, दैट इज टू स्लीपिंग लाइंस. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, टू स्लीपिंग लाइंस इसको बोलते हैं. लाइंस जो है ना, ये आड़ी लाइन बनी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग लाइंस. तो जब सेम नंबर्स दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, एग्जाम्पल है 65 एंड 65. तो ये 65 और 65 तो इक्वल हो गया, तो इसके सामने हम कौन सा साइन पुट करेंगे? इक्वल टू साइन. ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू द एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन नंबर 1, पुट द करेक्ट साइन. ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर्स लिखे हुए हैं, अब आपको इनको कंपेयर करना है और करेक्ट साइन पुट करना है. क्वेश्चन नंबर 1, 83 एंड 53. दो नंबर्स दिए हुए हैं, 83 53. नाउ आपको बताना है कौन सा, आपको साइन पुट करना है. ओके, अब मैंने बताया था ना, जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने हम ये उसका साइन जो है उसका माउथ ओपन होता है, खुला हुआ होता है, और जो नंबर छोटा होता है उसका माउथ वहाँ पे बंद होता है, क्लोज होता है. ओके, तो यहाँ पे 83 एंड 53, तो 83 बड़ा है तो यहाँ पे इसका माउथ ओपन रहेगा, एंड 53 छोटा है तो माउथ बंद रहेगा. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 20 29. तो यहाँ पर भी 29 बड़ा है तो यहाँ पे इसका माउथ ओपन रहेगा, एंड 20 स्मॉल सो यहाँ पर इसका माउथ क्लोज रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3, 50 एंड 50. 50 और 50 सेम हो गया, इक्वल हो गया, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन हो जाएगा. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4, 98 एंड 98, बोथ आर इक्वल सो वी विल पुट द इक्वल साइन. ओके, इक्वल टू साइन. क्वेश्चन नंबर 5, 65 एंड 69. 69 is greater than 65, so we will put the sign. Okay, open mouth 69 के सामने रहेगा और closed mouth 65 की तरफ. Okay, question number 6, 19 and 17. तो open mouth greater number 19 की तरफ रहेगा, and smaller जो closed mouth है वो smaller number की तरफ रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द पिक्चर्स एंड पुट द करेक्ट साइन. अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको इनको काउंट करना है और फिर इनको कंपेयर करके साइन पुट करना है. नंबर 1 पर आप देखिए कप्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6. कितने कप्स हैं ये? 6 कप्स. एंड ऑन द अदर साइड 1 2 3 4, ऑन द अदर साइड वी हैव 4 कप्स. सो 6 एंड 4, 6 इज ग्रेटर देन 4. यहाँ पर ज़्यादा कप्स हैं 6 एंड यहाँ पर कम कप्स हैं 4, तो यहाँ पर 6 बड़ा है तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा? ये वाला साइन, जहाँ पर इसका माउथ ओपन है, तो यहाँ पर हम 6 को ओपन माउथ की तरफ, 6 की तरफ ओपन माउथ करेंगे, एंड स्मॉलर नंबर 4 की तरफ क्लोज माउथ. क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 5 स्टार्ट्स, एंड ऑन द अदर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पर कितने स्टार्स हैं?
10. So 5 is smaller than 10. 5 small है, 5 number जो है वो small है 10 से. तो यहाँ पर closed mouth आ जाएगा 5 की तरफ and open mouth 10 की तरफ. Now question number 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 balls. And on the other side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Both the sides we have same number of balls. दोनों तरफ हमारे पास कितनी balls है? 8 balls. तो यहाँ पर हम कौन सा sign put करेंगे? Equal to sign. Okay? Okay, students, so you have to be very careful while you put the sign. जब आप ये questions करेंगे, आपको बहुत ध्यान से करना है और sign अच्छे से बिल्कुल समझकर question को put करना है, okay? So, now your homework is, write these exercises in your copy. ये exercises आपको अपनी copy में write करनी है, okay? That's it for today. Keep practicing at home. Stay safe and happy. Bye for now. Thank you.